देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन के अंदर। उस सेशन के अंदर हम लोग आज अपना पीडीसी चेक वाउचर सीखेंगे। सबसे पहले पीडीसी को मैं एक छोटे से तरीके से समझाता हूँ। पीडीसी का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो मिस्टर ए हैं, वो किसी पार्टी के पास जाते हैं मिस्टर बी के पास और कहते हैं सर आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा ड्यू हो गई है, प्लीज़ आप मुझे ना पेमेंट करा दो। तो क्या करते हैं, 1 तारीख को उनको पेमेंट कर देते हैं 1,20,000 रुपये चेक की। लेकिन उनको एक चीज़ बोलते हैं कि सर आप इस चेक को ना आज मत डालना, कल मत डालना, आप इस चेक को 20 तारीख को डालना, क्योंकि 20 तारीख को मुझे किसी पार्टी से 5 लाख रुपये आने हैं, उसमें से मैं आपको 1,20,000 रुपये दे दूँगा। क्लियर है? तो हम यहाँ तारीख लिख देते हैं और यहाँ 5 लाख रुपये डाल देते हैं। इसी को बोलते हैं हम PDC, पोस्ट डेटेड चेक। चेक तो मिलेगा आज, लेकिन बैंक में जमा कब होगा? 20 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। क्योंकि मेरे ऑफिस का भी ये होता है, पार्टी सेम डेट में चेक देती है लेकिन बोलती है सर 30 दिन बाद इसको बैंक में डिपॉजिट करना। इसे बोलते हैं PDC, पोस्ट डेटेड चेक। इस टॉपिक को अनेबल करने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, एडमिनिस्ट्रेटर में आना है, कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, अकाउंट के अंदर से एक टॉपिक अनेबल होता है जिसका नाम है पोस्ट डेटेड चेक इन पेमेंट रिसीव। इसको करने के बाद मैंने बैंक से कुछ एंट्रियाँ पास आउट करता हूँ। अब जैसे टॉपिक आप पेमेंट करोगे तो टाइप मिलेगा आपको रेगुलर, अगर चेक सेम डेट में डालना है तो आप क्या कर दोगे उसे रेगुलर, और अगर चेक 4 दिन बाद डालना है तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर दोगे? PDC में, पोस्ट डेटेड चेक में। कब? मैंने बोला सर 1 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे कितनी करनी है? 20 तारीख को। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? उस पार्टी का नाम। सपोज करो मैं एक नई पार्टी बना लेता हूँ यहाँ पर, मोहित ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप में मैंने माना मैं इनको पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए सिंडिकेटर्स होंगे और सिंडिकेटर डालकर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। उसके बाद मैंने 1,20,000 रुपये की पेमेंट करी और किस में? चेक के ज़रिए। चेक का नाम था ICICI बैंक। क्लियर है? और नरेशन में लिख दिया चेक नंबर देश। क्लियर? 1-5 डेट डल गई गलती से मुझसे, मुझे इसको 1-4 करनी चाहिए थी। मोहित ट्रेडिंग का नाम नहीं आया, ये आ गई मोहित। ठीक है, मैंने यहाँ 1-4 लिख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर? नॉर्मल पेमेंट की एंट्री हुई है। अगर आप लिस्ट निकालोगे तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होता है टाइप ऑफ एंट्री टू बी इंक्लूड। कैसे देखोगे? ओनली रेगुलर या ओनली PDC? अगर मैं ऑल करूँगा तो आपको सारी एंट्रियाँ दिखती हैं, लेकिन अगर मैं क्या कर दूंगा इसको PDC, तो खाली कौन कौन सी एंट्रियाँ दिखेंगी आपको? PDC वाली। मैंने क्या करा, मैं यहाँ डेट पर गया और अगेन एक एंट्री पास करी 10 को, 10-5 लिखा, 10-4 लिखा, PDC करा और बोला मैंने इसे 22 तारीख को पास करना है। फिर पार्टी का वही नाम रखा, मोहित ट्रेडिंग कंपनी, कितना? 50,000 रुपये। और क्या डाल दिया? बैंक का नाम ICICI बैंक, और नरेशन में वही चेक नंबर अगेन, और हमने इसको सेव कर दिया। क्लियर? अब मैं जब भी ओल्ड प्लस एल करके मोहित का लेजर देखूंगा ना, तो मोहित के लेजर में कोई एंट्री नहीं दिखी। सर पहली बात, आपने रिपोर्ट कब तक की निकाली? 1-11 तक की निकाली, तब भी वो एंट्री आपको दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि PDC का मतलब अभी वो पास नहीं हुई है, आपको उसे खुद पास करना पड़ेगा। पास करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले अगर एंट्री को देखना है तो आप क्या करोगे? इंक्लूड PDC, इस टॉपिक को अनेबल करोगे तो आपको दोनों एंट्रियाँ शो हो जाएंगी। नीचे ध्यान से देखो, एक नीचे आ रहा है PDC अमाउंट 0 और रिसीव 1,70,000 रुपये। हमें 1,70,000 रुपये की हमने पेमेंट कर दी है, बट ये अभी रेगुलर नहीं है, PDC है, मतलब ये पास नहीं हुई है बैंक से। हमारे बैंक अकाउंट में आ तो गई, हमने एंट्री तो कर ली, बट बैंक में भी डिपॉजिट नहीं हुई। जब ये 20 तारीख को बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी तो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मिसलेनियस डाटा एंट्री के अंदर आना है। इसको PDC के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट करना है? रेगुलर के अंदर कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है इसे? PDC से, क्योंकि PDC तो ख़त्म हो जाएगा 20 तारीख को, वो PDC क्या बन जाएगा हमारे लिए? रेगुलर बन जाएगा। अब हम कहाँ आएंगे? रेगुलराइजेशन पर। PDS के लिए वन बैंक और कौन सा? ICICI बैंक। तो दोनों एंट्रियाँ शो हो गई। क्या सर किस एंट्री को ख़त्म करना है? मैंने बोला इस एंट्री को ख़त्म करना है। इसको किस में कर दो? PDC से रेगुलर कर दो। या तो ये नहीं करना चाहते तो हर 20 तारीख को जाओ
इस पे आ जाओ और इस एंट्री को खोल लो, और इसको 22 तारीख को जाके क्या कर दो, रेगुलर कर दो, या तो एक एक एंट्री करके रेगुलर कर दो या फिर बीजी के ऑप्शन के जरिए कर लो, जो आपको समझ में आता वो टॉपिक अनेबल कर लो। ये भी तरीका आप इसको सेव कर दो तो भी आपकी क्या बन जाएगी, रेगुलर पीडीएफ से रेगुलर बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो बीजी की मदद लेना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आना है, वन बैंक, बैंक का नाम ICICI बैंक, ओके करो। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहले आएगा सेव पीडीएफ डेट इन नरेशन, जो पीडीएफ डेट थी वो यहाँ शो हो जाए। क्या लिखा आता है, सेव चेक रिसीव डेट इन नरेशन, जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ वो डेट यहाँ आ जाए उसके बाद, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, रेगुलराइज। जैसे ही करूँगा तो देखो वो एंट्री जो 20 तारीख को पीडीसी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओल्ड टैल, और इसको नो भी कर दोगे ना वो एंट्री शो हो गई 20/4। क्यों शो हो गई, क्योंकि अब ये पीडीएस से लेकर क्या बन गई, रेगुलर। और नीचे नरेशन देखो आ रही है, चेक डेट कितनी थी 20/4 और रिसीव डेट क्या थी 1/4, जिस दिन चेक मिला वो 1/4 थी और जिस दिन ये पीडी में कन्वर्ट हो गए वो 20 तारीख थी, और यहाँ तारीख कितनी आ गई 20। सेकेंड हमारे पास एक और आता है, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसके बाद हो गया। सर एक क्वेश्चन है, क्या सर जब मैं पीडीसी में कन्वर्ट करूँ तो ये ना इस डेट को ना ले, किस डेट को ले ले, इस डेट को। अभी क्या है, जब मैं पीडीसी कन्वर्ट करता हूँ तो ये वाली डेट को पिक करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, किस डेट को पिक कर देते हैं। अगर मैं ओल्ड टेल करूँ और मोहित की एंट्री देखूँ तो मैंने मोहित की एंट्री 1/4 में सेव की थी, लेकिन इसे कन्वर्ट किसने कर दिया, इसने। मैं चाहता हूँ इसको रिटेन ना करें, इसको कन्वर्ट ना करें, जो डेट यहाँ 10/4 है वही 10/4 है। तो उस केस के अंदर आप किस टॉपिक की मदद लेंगे, आप इस टॉपिक पर क्लिक कर और क्या कर दो इसको, बस आप ओल्ड टेल करो और मोहित का एंट्री देख लो, 10 तारीख की 10 तारीख रही। और यहाँ देखो बता रहा है पीडीसी डेट कितनी थी इसकी, क्लियर है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में अकाउंट बुक के अंदर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पीडीसी वाउचर, यहाँ पर आ जाओ कैश, तो यहाँ मिलता है बैंक पीडीसी, ठीक है। तो आप यहाँ पीडीसी भी देख सकते हैं, और यहाँ भी एक टॉपिक आता है पीडीसी डिटेल, तो जो जो चेक पास नहीं होंगे उन सभी की रिपोर्ट यहाँ आ जाएगी, क्लियर है। और यहाँ भी देख सकते हैं, क्लियर, ये दो चेक। लेकिन एक कभी कभी क्या होता है सर, जैसे किसी पार्टी ने मुझे आज का चेक दिया, मैंने पीडीसी में करा 20/4 को 20/4 लिख दिया, यहाँ बीजी का नाम लिखा, बीजी नहीं मोहित था, मोहित लिखा हमने, और 1,20,000 या 1,20,000 ₹10 डाल के हमने इस बिल को किस में, वीज़ा कार्ड में एंट्री को सेव कर दिया। लेकिन जब 4 दिन बाद पता चला कि इसकी पीडीसी डेट क्लियर भी हो गई, अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें पीएनबी बैंक में कन्वर्ट करना है या ICICI बैंक में करना, वो वीज़ा कार्ड से चेंज किसके अंदर हो जाए, पीएनबी के अंदर हो जाए या ICICI बैंक के अंदर, तो आप कहाँ जाओगे, रेगुलराइज पीडीसी वन एंड देन वीज़ा कार्ड। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, सिलेक्ट बैंक नेम फॉर रिसीव वाउचर, और किसके अंदर कन्वर्ट करना है आपको, ICICI, और इसको क्या कर दो, तो उस बैंक के नाम को कन्वर्ट कर देगा उसके अंदर। जैसे ही मैं इस एंट्री को सेव करूं, ऑल टेल करो, मोहित का नाम देखो, मोहित नहीं था सर, मोहित इंटरप्राइज था वो, तो देखो कौन सा बैंक आ गया, क्लियर है। तो उस ऑप्शन का बेनिफिट, इसे बोलते हैं हम लोग पीडीसी वाउचर, क्लियर है। चलिए आज अपने नए टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले इन्वेंट्री में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्वांटिटी डेसिमल प्लेस। पता है क्वांटिटी डेसिमल क्या होते हैं, सपोज मेरा काम किलो में होता है, मैं किलो में कोई आइटम सेल करता हूँ, तो आप जानते हैं किलो में 1000 मतलब 1000 हमारे लिए क्या बनता है, 1 kg बनता है, 1000 ग्राम हमारे लिए क्या बन जाता है, 1 kg बन जाता है। हो सकता है कोई पार्टी आती हो, कहती भैया 580 ग्राम आइटम दे दो, तो हम कैसे लिखते हैं, .50 kg, यही तो लिखते हैं, यही करके लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आज बीजी के अंदर आप ऐसे लिखूं तो मुझे कभी अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं आज जाऊं और यहाँ जाके लिखूं 0.580 तो कितना दिखता है, खाली 58 दिखेगा,
इसका मतलब हो गया 580, तो लेकिन दिखना भी चाहिए कितना 580। अगर मैं 1 किलो 558.82 लिखूं तो वो कितना दिखता है, हो सकता है 1 ग्राम से मेरी वैल्यू कम हो जाए या वैल्यू ज़्यादा हो जाए, फ़र्क तो 1 ग्राम का ही है ना। हो सकता है 1 ग्राम 30,000 रुपये का आता हो, 20,000 रुपये का आता हो, तो मेरा लॉस हो जाएगा सीधा। मैं क्या चाहता हूँ क्वांटिटी के डेसिमल बढ़ जाएँ, 4 हो जाएँ, 10 हो जाएँ, 100 हो जाएँ। पता है कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग आप लोग ऑफिस में जाओगे और किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालोगे ना, तो प्रिंट आउट में ना जो क्वांटिटी होती है ना वो आपको यहाँ पर जो वन है ना वन नहीं दिखेगा, वो दिखेगा स्टार में। किस में दिखता है? स्टार में। होता क्या है, अगर मैं इस क्वांटिटी को इतना बढ़ा दूँ, इस क्वांटिटी को मैं इतना बढ़ा दूँ कि क्वांटिटी एक्सेप्ट ही ना हो, तो देखिए आप यहाँ पर जब आप कोई भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो स्टार स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया स्टार में। तो क्वांटिटी ज़्यादा थी और आपने डेसिमल कितने लिखे हैं, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती थोड़ी सी। ठीक है, मुझे वैसे वो टॉपिक लिंक नहीं है इस टॉपिक से जो बताया, अगर मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है तो सिंपल है, इन्वेंट्री के अंदर जाके जितनी भी करनी, मैं अगर 4 करके सेव कर दूंगा ना तो आज के बाद जो भी आइटम डालूंगा वो मुझे 4 डेसिमल में मिलेगी। जैसे यहाँ आ जाओ, एक नई आइटम हमने रिपीट परचेस करी, सपोज कर रिपीट परचेस करी, केजी में केजी लिखा और हमने इसको सेव कर दिया, कितना 1 केजी, 1 केजी नहीं 580 ग्राम, 580 ग्राम शो हो गई आपको, लिख सकते हो 580 ग्राम 10, डेसिमल बढ़ गए। क्या बढ़ जाएंगे आपके? डेसिमल बढ़ जाएंगे क्वांटिटी में। क्लियर? तो कभी क्वांटिटी के डेसिमल बढ़ाने हो तो इन्वेंट्री के अंदर जाके बढ़ा सकते हो। क्लियर? ऐसी आइटम के अंदर 2 डेसिमल आते हैं, ऐसे आइटम के अंदर कितने डेसिमल आते हैं? 2 ही डेसिमल आते हैं। बढ़ाने हो तो कितने कर दो? 4 कर दो। क्लियर है? समझ आ गया? इसके बाद आता है स्टॉक वैल्यू मेथड। क्या होता है स्टॉक वैल्यू मेथड? पहला आता है फीफो। स्टॉक का मेथड क्या होता है, जस्ट पहले समझ लो, डेट है, यहाँ डेट लिखी, एक माल 1/4 को आया है, आइटम का नाम लिख रहा हूँ मैं, आइटम नेम, आइटम 1, क्वांटिटी 100 पीस। क्लियर? एक माल आया 10/4 को, आइटम 2, क्वांटिटी 100 पीस। क्लियर? मैं चाहता हूँ जब भी ये आइटम सेल हो, कोई भी आइटम, मतलब ये भी 1 है, ये भी क्या है 1 है, क्वांटिटी आइटम का नाम सेफ सेम है, हो सकता है इसका रेट 12 रुपये का आया हो और इसका रेट 11 रुपये का आया हो सकता है। मैं चाहता हूँ जब मैं बिजी के अंदर सेव करूँगा तो दोनों आइटम मर्ज हो जाएंगी और स्टॉक दिखा देगा 200 पीस। लेकिन अगर मैं 50 पीस सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं 50 पीस सेल कर रहा हूँ, तो बिजी क्या करे, इन वाली आइटमों को पिक करें, क्या करें, इन वाली आइटमों को पिक करें। क्लियर होता है? पिक करें। ठीक है, अच्छा बताओ इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप इसकी एंट्री करो तो टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी हो गई, 23,000 रुपये। तो बिजी आपसे पूछ रहा है आपके पास 23,000 रुपये का, तो 2300 रुपये का माल तो आपके पास है, माल है, लेकिन जब आप सेल करोगे कोई भी आइटम 50 पीस, तो क्या आप इस वाली आइटम को पिक करोगे या इस वाली आइटम को पिक करोगे? सपोज ये पार्टी ए से परचेज हुई और ये पार्टी बी से परचेज हुई, तो कौन सी आइटम पहले बेचना चाहते हो, कैसे सेल प्राइस कैसे निकालना चाहते हो, इसे बोलते हैं स्टॉक वैल्यू मेथड। मेथड कैसे काम करना है, तो पहला मेथड जो मिलता है वो फीफो होता है। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है उसे पहले आप बेचो, आप जैसे सेल कर दो वैसे करो, बिजी अपने आप डिसाइड कर लेगा ये फर्स्ट तो सेल भी इसको फर्स्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो पहले आए वो पहले जाए। क्लियर है? तो वो हिसाब है। क्लियर है? तो
जब आप इसे सेव करोगे तो बीजी जब भी आप स्टॉक की रिपोर्ट बनाएगा वो हमेशा कौन से मेथड से बनाएगा, स्टॉक वैल्यू मेथड, जिसमें वो कौन सा मेथड यूज करेगा, फीफो मेथड। कौन सा मेथड यूज करेगा उसमें, वो फीफो मेथड यूज करेगा। एक आता है लीफो, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है आपका, जो लास्ट में आए वो पहले चला जाए, जो लास्ट में आए वो पहले चला जाए। क्लियर है। एक इसमें एक और होता है लास्ट प्राइस, एक होता है लास्ट क्वांटिटी, एक लास्ट सेल, ये हमारे लिए ठीक है। बाकी हमारे लिए एक जो यूज है ये बस ये टॉपिक यूज है, जिसका नाम है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का क्या है, अभी सपोज करो इसका सेल प्राइस मैंने सभी आइटमों के लिए निकाल दिया 15 रुपये। कितने निकाल दिया, 15 रुपये। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, बताओ मुझे कितने रुपए की पड़ रही है। 200 आइटम है, अगर 200 को 23 से डिवाइड, 2300 को अगर 200 डिवाइड करें तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 11 रुपये। तो बहुत से लोग कहते हैं एवरेज प्राइस पर काम करना है, किस पर काम करना है हमें, तो उसे बोलते हैं वेटेज एवरेज। दोनों क्वान्टिटी का एवरेज कैसे निकलती, जैसे लाइक हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे डे वन कोई पॉकेट मनी मिलती है, हो सकता है किसी दिन 2 रुपये मिल, 20 रुपये मिलती है, किसी दिन 30 रुपये, किसी दिन 40 रुपये, किसी दिन 50 रुपये, किसी दिन 55 रुपये, किसी दिन 30 रुपये, किसी दिन 20 रुपये, किसी दिन 10 रुपये। अगर इन सभी का टोटल करूं तो मुझे टोटल कितने मिले, 255। कितने दिन में मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डे, ठीक है। 8 दिन में मिले मुझे कितने, 255। तो मैं एवरेज लगाऊँ कि मेरी पॉकेट मनी एवरेज कितनी है, तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगा, 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएंगी, मेरी पॉकेट मनी एक्चुअली में 31 रुपये। तो इसे एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज निकालना तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वेटेड है। क्लियर है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, सिलेक्ट परचेज अकाउंट विद, ठीक है। मैंने भी क्या रखा, सेल परचेज, पता है सेल परचेज रख दिया। अब मैं जब भी ओल्ड प्लस एल करता हूँ ना, चाहे सेल करता हूँ, तो ये सारी जो सेल है ना, ये इस अकाउंट में कैसे पहुँचती है, ये अकाउंट में, सेल के अकाउंट में कैसे पहुँच जाती है, क्योंकि इस सेल टाइप का लिंक हमने बीजी को किसके साथ कर दिया, स्पेसिफाई अकाउंट। अगर मैं एक सेल टाइप बनाऊँ, मैंने यहाँ लिखा सेल, न्यू सेल टाइप, क्या लिख दिया, न्यू सेल टाइप, और बोला कि जो भी सेल होगी इस नाम से वो सेल न्यू टाइप के अंदर जाए, किसके अंदर जाए, सेल के अंदर जाए। क्लियर, और हमने सेल कर ली। क्लियर, अब मैं इसकी कोई भी सेल करूंगा तो आप देखिए वो इस अकाउंट के अंदर नहीं आए, वो किसके अंदर चली गई, न्यू सेल टाइप। जो सेल का नाम है, नाम ही चेंज कर दिया हमने, क्या नाम रख दिया उसका। क्लियर है, आप सेल तो कर रहे हो लेकिन ये भी सोचना चाहिए ये ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पहुंचती कैसे, क्योंकि हमने किसके अंदर बता रखा है इसको, सेल, इसके सेल टाइप के अंदर बोला होता है कि आप ये वाली एंट्री उसके अकाउंट में पहुंचा देना, किसके अकाउंट में पहुंचा देना, इस अकाउंट में जो भी नाम लिखोगे इसके अकाउंट में पहुंच जाती है। क्लियर है, इसे बोलते हैं ये कि किसकी एंट्री को किस अकाउंट में पहुंचाना है। तो आपको कहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से। क्लियर, आप चाहते हो कि यहाँ पर आइटम के अंदर, आप जैसे इस टॉपिक को अनेबल करूँगा तो आइटम के अंदर ऑप्शन आए, पहले सेल टाइप के अंदर ऑप्शन आएगा, अब किसके अंदर आ जाएगा, वो आइटम के अंदर। इस वाली एंट्री को किस अकाउंट के अंदर पहुँचाना है, तो मैंने बोला इस वाली एंट्री को कहाँ पहुँचाना है, सेल टाइप। क्लियर है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अगर मैं कोई खर्चे की एंट्री या कोई खर्चा परचेज वाउचर में चढ़ाना है, किसके अंदर चढ़ाना है, हम सैलरी के अंदर या परचेज के अंदर आए और हमें खर्चा चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, हमें खर्चा चढ़ाना है, सपोज करो कोई ऑफिस रेंट चढ़ाना है, कहाँ से, परचेज से, और पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, कैश में कर रहा हूँ। तो बताए मैं कैसे चढ़ाता हूँ, मैं F3 करके एक आइटम बनाता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने ऑफिस रेंट, ग्रुप NA रख देता हूँ और यूनिट NA डालता हूँ। NA मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कोई यूनिट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और जैसे ही नॉट NA करोगे तो यहाँ पर लिख क्या था, डोंट मेंटेन स्टॉक, आप इसका स्टॉक मेंटेन मत करना, और ये इसको परचेज अकाउंट में मत पहुँचाना, इसको कहाँ मत पहुँचाना, परचेज अकाउंट पे मत पहुँचाना, इसको कौन से अकाउंट में पहुँचाना, ऑफिस रेंट अकाउंट।
अब ये खर्चा आपका, ये वाली एंट्री कहाँ पर जाएगी? परचेज अकाउंट में नहीं जाएगी। कौन सी एंट्री पर जाएगी? ऑफिस रेंट। जो आप यहाँ से परचेज का कोई बिल सेव कर दो, डायरेक्ट परचेज अकाउंट में कैसे पहुँचता है? क्योंकि उसका लिंक यहाँ से किया गया है, इस आइटम से लिंक कर दिया उसका, बोला कि ये आइटम जब भी तुम परचेज करोगे ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाएगी? उस नाम से जो नाम यहाँ डाला हो, या एबीसी नाम डालो तो एबीसी नाम से पहुँच जाए। सेव कर दूँ और कितने खर्चे की? 20,000 रुपये खर्चे की। क्लियर? और देखो जैसे ही सेव करूँगा ये खर्चे की एंट्री कहाँ पहुँच जाएगी? 20। लेकिन एक मैसेज आ रहा है कि आप बजट लिमिट है और आप खर्चे को 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं कर सकते, तो मैं 99 सौ खड़ा दूँ। ठीक है, नहीं पैरामीटर ऑन नहीं है। आ जाओ, पहुंच गई खर्चे की एंट्री। परचेज वाउचर से हमने खर्चे की एंट्री पहुंचा दी। कभी भी परचेज से हम फिक्स असेट की एंट्री नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं यहाँ से। किसके जरिए? इस टॉपिक के जरिए। बस खाली यहाँ से उसको लिंक कर देंगे। आगे समझ में? दोबारा बताना है ये। अब पहला सीखा था एंट्री को किस नाम से पहुँचाया जाता था, सेल टाइप से। दूसरा तरीका क्या सीखा हमने? परचेज के तरीके से। और तीसरा भी हमारा तरीका होता है, क्या वो तरीके का नाम है? इन्वेंट्री के अंदर वो तरीका है आइटम ग्रुप से। आप इसको सेव कर दो, उसके बाद जो भी आइटम का ग्रुप डालोगे, आइटम का ग्रुप, उसके अंदर भी क्या टॉपिक आ जाएगा? ये टॉपिक तब आपको देखने के मिलने जब मैं वहां पर चेंज कर रहा हूँ। अगर सेल टाइप है तो उसका लिंक कहाँ पर है? सेल टाइप में। मैंने वहां से सेल टाइप हटा दिया ना, अब देखो सेल टाइप के अंदर से वो टॉपिक यहाँ से डिसेबल हो गया। मैंने आइटम के अंदर से उसका लिंक हटा दिया ना, तो वो आइटम के अंदर से अब देखो डिसेबल हो गया, आ ही नहीं रहा टॉपिक। अब किसके अंदर शो करेगा वो? सेल के अंदर, मतलब आइटम ग्रुप के अंदर। बहुत से लोग कहते हैं मुझे जो भी स्टॉक परचेज करना है वो किसके हिसाब से? मटेरियल सेंटर के हिसाब से। तो मटेरियल सेंटर कर लेना। क्लियर है? ये स्टॉक को रखने का तरीका बताया गया है। क्लियर है? चले तो बस आज के लिए इतना ही।